গোপীনা মম নিবেদন শোনো, বিষয়া দুর্জন সদা কামরত, বিষয়া দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাই মোরা গুণ, কিছু নাই মোরা গুণ, আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লইন শরণ, তোমার চরণে লইন শরণে, তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি, গোপীনা কে মন শোধিবে মোরে, গোপীনা কে মন শোধিবে মোরে, না জানে ভক্তি কর্মে জড়ামতি, না জানে ভক্তি কর্মে জড়ামতি, পরিচি সংসারে ঘরে, গোপীনা সকলি তোমার মায়া, গোপীনা সকলি তোমার মায়া, নাহি মম বল জ্ঞান সো নির্মল, নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল, স্বাধীন না হে কায়া, স্বাধীন না হে কায়া, গোপীনা নিয়তা চরণ স্থান, গোপীনা নিয়তা চরণ স্থান, মাঙ্গে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া, মাঙ্গে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া, করো হে করুণা দান, করো হে করুণা দান, গোপীনা তুমি তো সকলি পারো, গোপীনা তুমি তো সকলি পারো, দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি, দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি, কে আছে পাপীরে আর, কে আছে পাপীরে আর, গোপীনা তুমি কৃপা পারবার, গোপীনা তুমি কৃপা পারবার, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কইল সুবিস্তার, লীলা কইল সুবিস্তার, গোপীনা আমি কি দোষে দোষী, গোপীনা আমি কে দোষে দোষী, অসুরা সকল পাইল চরণ, অসুরা সকল পাইল চরণ, বিনোদ থাকিল ভসি, বিনোদ থাকিল ভসি, গোপীনা মম নিবেদন শোনো,
গোপীনা মা নিবেদনা শুনো বিষয়া দুর্জন সদা কামরত বিষয়া দুর্জন সদা কামরত কিছু নাই মোরা গুণা কিছু নাই মোরা গুণা গোপীনাথ 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 সারে বলো গোপীনাথ গালি বাজাও গোপীনাথ 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 আ গোপীনাথ 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 বলো রাধা গোপীনাথ ভগবান কি জয়। তো ये जो प्रार्थना है गोपीनाथ के श्री चरणों में हमारे परमाचार्य जो आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर जो विराजमान है फोटो पे भी चौथे नंबर पर हमारे गुरु महाराज उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु ये गृहस्थी थे शुद्ध भक्त भगवान के। तो कहा है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे करें हमारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं, क्योंकि हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है, हमारा मन विषय विकारों में माया जाल में फंसा होने के कारण हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है। फिर पूर्व काल में जो वैष्णवों ने महान आचार्यों ने प्रार्थना की उनके माध्यम से हम प्रार्थना करें, अगर हम ऐसा करेंगे भगवान जरूर सुनेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, हे गोपीनाथ कृपा करके आप मेरा निवेदन सुनो, मैं अत्यंत ही विषयी, हम सबका मन विषय विकारों में लगा है ना, शुद्ध भक्त अपने आप को विषयी कह रहे हैं, दुर्जन सज्जन नहीं, तथा काम के वशीभूत हूं, विषय वासनाओं के वशीभूत हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। देखो हम जो दुर्गुणों से भरे पड़े हैं हम अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है जो भगवान का भक्त है वो अपने आप को कहता है मैं बहुत दुर्गुणों से भरा पड़ा हूं, मेरे में कोई गुण है ही नहीं, ऐसा ही सोचना जो है ना वो ठीक है। क्यों?
देखो अगर हम अपने आप को गुणवान मान लेंगे, अगर हम गुणवान होते तो यहां भौतिक जगत में क्या होते, हम वैकुंठ लोक में होते, भगवान के साथ होते हम। यहां हम हैं, हम दुर्गुणों से भरे पड़े हैं, हम में बहुत सारे दोष हैं, हम लोग दुर्गुणों के भंडार हैं। तो शिक्षा क्या देते हैं आचार्य गुरु महाराज और संत सारे, अगर भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे ये सोचना चाहिए कि मैं मूर्ख नंबर एक हूं, आई एम ए फूल नंबर वन, प्रभुपद कहे, फिर हम कुछ सीखेंगे। पर हम कहते हैं मैं बड़ा चतुर हूं तो क्या सीखेंगे, आगे मैं बहुत चतुर हूं। तो शुद्ध भक्त सिखा रहे हैं, मैं तो आपका दास हूं, आपके श्रीचरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, भक्त विनोद ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। शुद्ध भक्त का भरोसा गोपीनाथ के चरणों में है, शुद्ध भक्तों की कृपा से हमारा भी भरोसा उनके चरणों में हो जाना चाहिए। हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार सुधारोगे, किस प्रकार शुद्ध करोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। इतने ग्रंथ इन्होंने लिखे, यहां पढ़ोगे तो आंखें खुल जाती हैं, लेकिन कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता भक्ति के बारे में। तथा मेरी जड़मती, मेरी मूर्ख बुद्धि जो है संसारिक कामों में लगी रहती है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूं। संसार में क्यों पड़े हुए हैं हम, क्योंकि हमारी बुद्धि संसार में लगी हुई है। हे गोपीनाथ, यह सब तो आपकी ही माया है, ये माया का जगत है, माया, मा का अर्थ ना या है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उसे पार हो जाऊं, मेरे में ना शक्ति है ना बल है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। शक्ति बुद्धि ही ना अमी अति दीना, इन्होंने एक दूसरे भजन में कहा, लेकिन मैं सोचता बड़ा बलवान हूं, बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे हाथ में क्या है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। हम तो डींग बड़ी बड़ी मारते हैं लेकिन घड़ी का हमको पता नहीं है, घड़ी का पता नहीं है। इसलिए हमने इन वैष्णवों की कृपा से यह सीखना है कि मेरे में ना तो कोई बल है ना ही मेरे में ज्ञान है कि मैं आपकी माया का पार पा सकूं, नहीं पा सकते आपकी माया का पार, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, ये शरीर हमारा स्वतंत्र नहीं है, याद रखो। आदमी बहुत कुछ कहता है ना, लेकिन अभी मैं ठीक हूं, थोड़ी देर बाद बिस्तर में लेट जाऊंगा, बीमार हो गया। अभी जैसे यहां हमारे पड़ोस में वो पद्म प्रकाश जी का बेटा डॉक्टर पद्म प्रकाश कहते, कल ही उस बेचारे का देहांत, वो भी डॉक्टर बना था 28 साल का, तो बता रहा था कि बेटा ठीक ठाक है सब कुछ है, लेकिन पसीना आ गया उसको एकदम, और बातें करते करते श्री छोड़ दिया उसने, 28 साल का लड़का। अरे किसका भरोसा है, अगर है भी तो कितना भरोसा है, 100 साल से ज्यादा कोई जी नहीं सकता, लेकिन हम संसार में खोए हुए जीव अपने इस अमूल्य समय को व्यर्थ में कमा रहे हैं। जैसे भगवान दास प्रिंसिपल का बेटा 14 साल का बेचारा चला गया, एक ही बेटा, इनके पद्म प्रकाश जी के ये भी डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, इनके तो 2 बेटे हैं, एक चला गया। तो किसी के जीवन का भरोसा नहीं है, वही यहां शिक्षा है कि हम बस जब तक श्वास हमारे हैं, कहा है कि श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए, पता नहीं है। परसों लड़का ठीक है, कल शरीर छोड़ दिया, कई घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम मूर्ख है ना, हम भक्त नहीं, तो पुरुषोत्तम मास से भक्ति मांगो भगवान की, भक्ति आने से सब कुछ आ जाएगा। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति, किसकी, श्री कृष्ण की, राधा कृपा से और गौरांग कृपा से और ऐसे संतों की कृपा से। बस पुरुषोत्तम मास से आप सभी ने, सारी माताओं ने,
सारे भक्तों ने, सारे बच्चों ने, सारे बड़ों ने भक्ति मांगनी है बस। हमें भक्ति दे दो, कुछ नहीं चाहिए बस। गुरु महाराज कहते थे अगर हमें भक्ति आ गई ना तो सब कुछ आ गया। भक्ति ऐसे है कि जैसे किसी के पास 1,00,000 रुपये आ जाता है ना, उसको 10 रुपये की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपये भी 1,00,000 रुपये में ही आ गए। संसार के सब चीजें 10 रुपये हैं और भक्ति 1,00,000 रुपया है। केवल भगवान से भक्ति मांगो और कुछ नहीं, केवल भक्ति बस। सेवा, देखो सेवा तो करनी पड़ेगी, हम एक दूसरे की सेवा में तो लगे हुए हैं, पर इस सेवा के लोग संतुष्ट हुए, संसार के लोग, पत्नी कभी खुश हुई, पति कभी खुश हुआ, लेकिन इनकी सेवा भाव से करोगे ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि मेरा शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है, ये शरीर भी मेरे वश में नहीं है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर, अपने आप को पामर कह रहे हैं व्यक्ति, रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। बस शुद्ध भक्त ने कहा है हे गोपीनाथ मुझे अपने लाल लाल श्री चरणों में स्थान दे दो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हो, भगवान ने तो पापियों का भी उद्धार किया, अतः मुझ पापी का उद्धार करो, मुझे पापी का उद्धार करो, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और कोई नहीं है। ऐसे भाव हमारा होना चाहिए। भगवान उसी को मिलते हैं जो हर ओर से मन हटाकर इनके चरणों में लगाता है। अगर और कहीं मन लगा है तो फिर भगवान क्यों उसको मिलेगा, तो कहीं और उसने मन लगा रखा है। इनको पाना है तो हर ओर से मन इनमें लगाना है। अभी जो एक कथा, वो टाइम नहीं अभी, 1 मिनट बाकी है इसका, मैं कल सुनाऊंगा। एक भक्त जो थे उनका पुत्र मर गया, पुत्र मर गया उनका, शेर गाय चराते थे, शेर ने मार दिया पुत्र को, तो मूर्छित हो गए। लोग कहने लगे ये तो बड़े भक्त थे, ये तो पुत्र मोह में मूर्छित हो गए। तो विठल नाथ जी जो गुरु जी थे कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जाके कान में कहा कि कुंभन दास, उनका नाम कुंभन दास था, कल मैं तुम्हें ले चलूंगा अपना श्रीनाथ भगवान के दर्शनों के लिए। एकदम उठ गए, मूर्छा इसलिए हुई कि अभी मरना शौच पड़ गया है तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पुत्र के भी योग का कोई दुख नहीं है। कहते कि आपके तो दर्शनों मात्र से कई पवित्र हो सकते हैं, आपको ये मरना शौच क्या लगेगा, जन्मना और मरना शौच होते हैं ना, अशुद्धि क्या होगी, मरने से भी शुद्धि हो जाती है। उठ के बैठ के